in meeting of provincial committee in every month. Because of our leadership has been detained for the last 4 months. तो हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नासिर असलमानी गिरफ्तार है, वाइस प्रेसिडेंट आउट ऑफ द स्टेट है, तो आई एम प्रोविंशियल सेक्रेटरी। इस वजह से आज मैंने मीटिंग बुलाई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बड़ा रेस्पॉन्स रहा। यह ओनली डेलीगेट जो प्रोविंशियल कमेटी के जो मेंबर्स हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट्स आते हैं, वुमन डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट और यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोनल प्रेजिडेंट्स और प्रोविंशियल कमेटी यूथ और पेरेंट बॉडी के जो प्रोविंस के मेंबर है वही इसके मेंबर्स है। आज हमने उनको बुलाया। क्या मैसेज है यहाँ से? क्या हमारा मैसेज यही था जो एजेंडा है कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिटेंशन ऑफ आवर पार्टी प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, हु हैज बीन 4 times चीफ मिनिस्टर, 2 times यूनियन मिनिस्टर, 5 times पार्लियामेंट मेंबर, हाउ ब्रेजनली ही हैज बीन पुट अंडर द बार्स विच हैज नो जस्टिफिकेशन। और इसी तरह बाकी जो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब है जनरल सेक्रेटरी और सीनियर लीडर राथर साहब, चौधरी साहब, नासिर असलमानी, फर्स्ट रैंक के लीडर्स, एवरी वन इज इन साइड। तो इसी वजह से हमने कहा उनको अनकंडीशनली रिलीज किया जाए ताकि जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस वो चलाए, उनके निकलने के बाद वो क्या मैसेज देते हैं, वो वर्किंग कमेटी में क्या डिसीजन लेते हैं, आगे क्या चलाना है। जो हम सेकंड रैंक में है हम उनके जो भी डिसीजन है उसको फॉलो करके आगे चल रहे हैं। शौकत साहब, अभी अगर देखा जाए तो रीजनल पार्टी जो यहाँ पर हमारी है वो बहुत ही कमजोर दिख रही है बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि वो अपने लीडरों को नहीं छुड़ा सकती है, खाली मीटिंगें तलब की जाती है, तो क्या वजह है, क्या यहाँ पर सच में ही कमजोर नहीं? रीजनल पार्टी को अपने तक तो कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे ये डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन होम मिनिस्ट्री जो यूनियन टेरिटरी चलती है और एक सिक्योर सा खड़ा हुआ है, एक खौफ दहशत का माहौल खड़ा हुआ है। ये इतने ही लीडर्स नहीं, अगर आप देखेंगे थानों में बाकी जगह कितने गिरफ्तारियां हुई है तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है, वो तब ही खत्म हो जाएगी जब आप लीडरशिप को बाहर आने देंगे, उनको जलसा करने देंगे। उनको आपने 144 4 महीने से रखा है, दैट मीन्स 4 or more than 4 persons कैन नॉट मीट एट 1 place। अब तो रेस्पॉन्स देख रहे हैं, परसों हमने शेरी कश्मीर के बर्थडे पर हमने यहाँ एक कन्वेंशन किया, उसके बाद यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक प्रोविंस मीटिंग हुई, डिस्ट्रिक्ट का हुआ, बड़ा रेस्पॉन्स लोगों का है। दे आर कंसर्न अबाउट द हेल्थ एंड डेटोरेटिंग हेल्थ कंडीशन ऑफ अदर लीडर्स। यहाँ पर एक ग्रुप आया था कंसर्न सिटीजन ग्रुप जो यशवंत सिन्हा की क्यादत में यहाँ पर आया था, उन्होंने ये जाहिर किया है, उसके रिपोर्ट के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है डेमोक्रेटिक चेंज किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर है, आपको लगता है ये सच है? जो डेमोग्राफिक चेंज होता है वो तो लाजमी है। आप देखिए जब हमने 370 खत्म किया, 35(1) खत्म किया, साइमल्टेनियसली एनआरसी और अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कर रहे हैं, ये कोरिलेटेड है। एनआरसी और सीएए ये कोरिलेटेड है, जो बचता है उसी नेशनल एनआरसी एक्ट में उसको इसके तहत ड्रॉप किया जा रहा है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अगर आप ड्रॉप कर रहे